रेसिडेंस इन है सैन एंटोनियो एयरपोर्ट का। यहाँ सब फ्रिज है, सारे बर्तन हैं, ये डिशवाशर भी है एज यूजुअल। हाँ, सैन एंटोनियो कई बार आए, अगले साल भी आपको कई बार आना है। हाँ, इजी तो है ही है, अगर फ्लाइट तो आधे घंटे की फ्लाइट हुई ना। हाँ, तो लेट हो गई थी ना, तो उन लोग ले आए जल्दी, नहीं तो एक घंटा प्लस लगता है। हाँ, तो इतनी जल्दी ले आए? हाँ, 26,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ाया और उसको जो है सो ले आया इतनी जल्दी। हाँ, यूनाइटेड का है ना, हम लोग तो आए हैं तो हमेशा एक घंटे डेढ़ घंटे लगे हैं। ये सब बाथरूम है भाई, आधे घंटे में पहुंचा दे रहा। हाँ, 38 मिनट्स फ्लाइंग टाइम, थोड़ा बहुत लगा। हम लोग तो पिछली बार सैन एंटोनियो आए थे तो डाउन टाउन में रहते ना, रिवर साइड में ना। अब कांग्रेस तो यहीं कर रहा है, इसी एयरपोर्ट के पास जो हिल्टन होटल है उसमें कर रहा है। हाँ, यहाँ तो पैदल चलने की जगह है, दुकानें भी हैं उसी रास्ते में है। कल ही चल के सब खोज, हाँ सब खोज खाज लेंगे ना, सब खोज खाज के मस्त हो जाएंगे। पैदल चलना ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो तो दिया ही है पॉपकॉर्न, उसी को खा लेंगे रात में। अरे अभी तो बहुत सामान हमारे पास खुद ही है। अच्छा, आपके पास है? हाँ है, वहाँ से लिडिल था ना वहाँ। हमारे स्वीडन का 6:15 बज गया, 11 बजे चले थे हम लोग। ठीक, यही स्वीडन से चलते तो 5 बजे से चलते हैं सुबह। चल भाई, हरी आ गए हम लोग, फ्लाइट मिल गई। सुबह से चलते 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 चलते, हाँ फ्लाइट मिल गई, वो सबसे अच्छा हुआ, नहीं तो दिक्कत होती थोड़ी सी। हमारी